धन्यवाद सभापति जी। सर, स्पीकर साहब। सभापति जी, जिस दिन से बजट सेशन की शुरुआत हुई है, उस दिन से जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं एक ही बात कह रहे हैं कि जी भारत की जो जीडीपी है वो पूरे विश्व में पांचवें नंबर पर चली गई। अच्छी बात है सर। कल भी एक सत्ता पक्ष के साथी ने कहा कि हम जल्दी ही जी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है सर, हम तो चाहते हैं कि हम नंबर एक पर चले जाएं। पर सर, जो सरकार एक नारा देने वाली कि सबका साथ सबका विकास, सर सवाल है 140 करोड़ लोगों का कि हम पर कैपिटा इनकम पर कहां खड़े हैं। सर, हम पहले पाँच में भी नहीं, दस में भी नहीं, बीस में भी नहीं, तीस में भी नहीं, पचास में भी नहीं, सौ में भी नहीं। स्पीकर साहब, हम 136वें नंबर पर हैं और हम कह रहे हैं जी हम विश्व गुरु बनेंगे। स्पीकर साहब, इसमें भी 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 1% लोग हैं जिन लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, वेल्थ है। और आप आश्चर्य की बात देखिए कि वो जो 40% लोग हैं सिर्फ 23% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और सारा का सारा बोझ सर मिडिल क्लास जो लोग हैं उन पर पड़ रहा है। आप देखिए 32 लाख करोड़ में से 14.5 लाख करोड़ है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो सारे जो आम लोग हैं उन पर लगता है, क्योंकि जो कॉरपोरेट वाले हैं उनको तो आईटीसी के जरिए बड़ा हिस्सा वापस हो जाता है। उसके बाद जो सैलरीड क्लास है 60% तक, तकरीबन 12 लाख करोड़ हम उनमें से काटते हैं। तो आप देखिए कि 40% वेल्थ वाले लोग सिर्फ 23% पे कर रहे हैं, और हमारे मेंबर कह रहे हैं जी वो 3 लाख करोड़ टैक्स दे रहे हैं। सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर 3 लाख करोड़ टैक्स देने वालों की अब संपत्ति की बात करें तो पिछले 5 साल में दो जो बड़े साहब हैं उनमें से एक साहब की 25 गुना संपत्ति बढ़ गई, और इस पे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। और सर, हमें इस पे भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कल एक बात पिछले कई दिनों से चल रही है जी कौन कौन बड़े लोग शादी में गए, लेकिन सर हमें शादी में जाने में भी आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात की आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी कोई साधारण आदमी तो है नहीं, सारी एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, पूरी इंटेलिजेंस उनको रिपोर्ट करती है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ट्रक भर भर कर ऑपोजिशन के घर पर चंदा गया। तो सर, प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पर्चा दर्ज क्यों नहीं करवाया? तब तो सर आंध्र प्रदेश में कहा, इलेक्शन में तेलंगाना में कहा। अभी भी बाहर के स्टेटमेंट को यहाँ दर्ज नहीं करते, तो सर पर्चा दर्ज क्यों नहीं करवाया? अगर कोई ऐसी रिपोर्ट थी तो फिर प्रधानमंत्री जी शादी में भी क्यों गए? तो सर, ये सरकार केवल और केवल अपने जो बड़े दोस्त हैं उनको सुविधा देने का, उनका कॉर्पोरेट टैक्स कम करने का, उनको और बड़े बनाने का काम कर रही है, और जो देश के आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, जो मिडिल क्लास, आप देखिए कि जो एक 50-60 हज़ार कमाने वाला कोई व्यक्ति है, पहले तो आपने उस पर डायरेक्ट टैक्स लगा दिया, उसकी इनकम टैक्स, उसके बाद उसके ने कोई स्कूटर परचेज किया, कोई मोटरसाइकिल परचेज किया, 31% टैक्स उस पर लगा दिया, उसने उसकी रिपेयर करवानी है, 28% टैक्स उस पर है, अगर वो सड़क पे लेके जाएगा उस पर टैक्स है, और उसके बाद पेट्रोल डीजल डलवाएगा 50% टैक्स उस पर है, और उसके बाद सर खाने से लेके पीने तक हर जगह पर वो टैक्स दे रहा है, और
जो 3 लाख करोड़ रुपए का जिनको फायदा दिया गया वो सर सिर्फ 23% लोग है जो टैक्स दे रहे हैं। सो सर मेरा सिर्फ यही आपसे बेनती है कि आप देश के जो आम लोग हैं, जो 140 करोड़ लोग हैं, उन पर बोझ है जो कम किया जाए, सबसे ज़रूरी, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी की एक रिपोर्ट थी उन्होंने भी कहा कि 2.5% कम से कम हेल्थ बजट है वो सरकार का होना चाहिए, आपने उसे भी 0.5 कर दिया। अगर सर हम बजट नहीं बढ़ा सकते, कम से कम जो हेल्थ इंश्योरेंस पर GST है वो भी कम किया जाए, और जो लाइफ इंश्योरेंस पर GST है उसे भी ख़त्म किया जाए। और सर क्योंकि ये सरकार कितनी ऐसी पॉलिसीज, कितनी ऐसी स्कीम्स लेके आई है कि जिनकी जातों बात में बात नहीं करते और जहाँ ही उसे बीच में छोड़ दिया जाता है। आपने कहा कि जी हम स्किल इंडिया 2023 तक 40 करोड़ जो युवा हैं उनको स्किल बना देंगे, अब सर बात ही नहीं हो रही। आपने कहा कि फार्मर्स की आमदन है उसको डबल कर देंगे 2022 तक, अब सर बात ही नहीं हो रही। और आपने एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पर भी टैक्स लगा दिया जिसका सीधा बोझ पंजाब के देश के किसानों पर पड़ेगा। और आपने कहा कि जी हम FDI में कॉर्पोरेट्स को अगर हम छोड़ देंगे तो FDI बढ़ेगी, सर वो भी नहीं बढ़ रही और उसकी बात ही नहीं हो रही। और सर पूरा का पूरा मैं समझता हूँ कि जो पिछले 10 साल से इस बजट में भी पूरा का पूरा जो बड़े लोग हैं कॉर्पोरेट्स को उनको के मद्देनज़र ये बजट तैयार किया गया है, और जो देश के आम नागरिक हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। और लास्ट में सर मैं यही कहूँगा कि पंजाब के किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं उन पर जो टैक्स है वो ख़त्म किया जाए। ओके धन्यवाद। वेरी गुड। खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी। स्पीकर साहब, सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।